16 वर्ष से इस पार्क में आता हूँ, लेकिन जो एनर्जी हमने इस पावर योगा से YSS पावर योगा से मिली है वो मैं सभी को बताना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत पेट की प्रॉब्लम थी, गैस्ट्रिक बहुत रहती थी और पेट के अंदर बहुत मतलब परेशानी दर्द होता था, और इस YSS पावर योगा से जुड़ने के बाद मेरे पेट की जो भी तकलीफ थी बिल्कुल ठीक हो गई है। और मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि घर में सोते ना रहें, अगर इसको अपना सारा चैनल को इसको देख रहे हैं तो सब घर से बाहर निकलें और निरंकारी पार्क सरोवर में सब निकल के आएँ और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं। क्योंकि ये योग बहुत अच्छा योग है, इसमें कहने का मतलब हमारे शरीर की सारी क्रियाएं होती हैं और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए ये हमारे जो मैन सर अरोड़ा जी हैं उन्होंने ये कदम उठाया है, उनका हम बहुत धन्यवाद दिल से करते हैं। पूरा नाम बता दीजिए अरोड़ा जी का, ताकि हम सब देखें उन्हें। अरोड़ा जी है जो मिस्टर उमेश कुमार अरोड़ा जी है, उन्होंने ये अपना YSS पावर योगा जो बनाया है उनके लिए मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। क्योंकि इस योग के द्वारा बहुत से लोग जुड़ रहे हैं और जिनको बहुत सारी असाध्य बीमारियां थी वो भी ठीक हो रही हैं, और मेरे जो पेट की बीमारी थी वो बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है, मेरे को गैस्ट्रिक की किसी तरह की कोई अब बीमारी नहीं है। तो सभी लोगों को कहूंगा कि इससे योग से जुड़े और सभी के लिए धन्यवाद। हमारे पावर योगा की शुरुआत करने वाले गुप्ता मेरा नाम है, बताइए। और मैं 10 दिन से योगा से जुड़ा हूँ और मैं YSS पावर योगा का धन्यवाद करता हूं जाएंगे रे कि वो हमें योगा कराते हैं और मैं उनका शुक्रगुजार हूं तहे दिल से। महिलाओं की बारी आई क्योंकि इनको जाने का अब समय हो रहा है क्योंकि सुबह से निकली हुई हैं। मैडम बोलेंगे जी। मैडम बताइए आज हरियाली तीज हम मनाएगी, कैसा लगा और ये योगा के दौर बताइए क्या क्या फायदे हुए हैं आपको अभी तक? हाँ, मैं निर्मल ठाकुर, मैं योगा से अभी मुझे जुड़े हुए लगभग 1 महीना हुआ है, लेकिन मेरे को काफ़ी इसके अंदर से फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब मैं अपने पैरों को भी अच्छी तरह मूव कर सकती हूँ, गैस की प्रॉब्लम भी मुझे कम हो रही है। और यहाँ पे जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि हमारे सांस्कृतिक प्रोग्राम के जो है क्रिएट किया, क्योंकि हमारी पुरानी संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। आज के बच्चे जो हैं इन छोटे छोटे त्योहारों को भूलते जा रहे हैं, अगर हम ऐसा मनाएंगे ऐसा सेलिब्रेट करेंगे तो लोगों के अंदर हमारे देश की जो सभ्यता है हमारी संस्कृति है उसके प्रति एक जागरूकता पैदा होगी और हम उसके अंदर एक हमारे अंदर एक उमंग एक जोश पैदा होगा अपने त्योहारों के प्रति। धन्यवाद। आप भी कुछ कहेंगे? आपकी एज कितनी होगी, क्या नाम है आपका? अमित शर्मा। मेरी 69 है। क्या बात है, देखिए 69 साल एज है और योगा करने पहुंची हैं बुराड़ी ग्राउंड में। और मुझे बात एक दिन व्हाट्सएप पे भेजा था मेरी एक सत्संगी बहन ने, 23 तारीख को भेजा, मैं 24 से आने शुरू हूँ, 24 से मुझे अभी हफ्ता ही हुआ होगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हर रोज आता हूँ। कुछ फायदा लग रहा है? हाँ, मेरे को लग रहा है, अपने आप में ही लग रहा है कि नींद आती है ठीक है, सुस्ती आती है, थकान होती है क्योंकि जाके काम करना पड़ता है, कोई बात नहीं है वो सब ठीक हो जाता है, लेकिन योगा में आना हमें अच्छा लगता है, हमें चाहे थकान हो कुछ हो, योगा में आना है। देखते रहे हरे का सहारा टीवी चैनल लाइव, नौजवान बच्चे।